तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ए साइड्स में। और आप देख रहे हैं ए साइड्स। तो आज की वीडियो बहुत ही बड़े होने वाली, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपकी हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है पबजी के ऊपर। तो गाइस, हम यहाँ पे अपना बैकग्राउंड को ओपन करते हैं। तो गाइस, ये सैनहॉक का मैप है पबजी का, जो कि मैंने डाउनलोड किया है। तो गाइस, हम सैनहॉक के मैप पर बैकग्राउंड पर हम एडिटिंग करेंगे। तो गाइस, हम सेंड करते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, जो कि गाइस काफ़ी अच्छा आएगा। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। एंड गाइस, हमारा पिक्सआर्ट जो है ना, वो थोड़ा देर में लोडिंग ले रहा है, तो इसलिए सॉरी। एंड तो गाइस, यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारा पिक्सआर्ट, ओपन हो चुका है। तो गाइस, हमारा पिक्सआर्ट में हमारा सैनहॉक मैप, मतलब सैनहॉक का जो बैकग्राउंड है ना गाइस, वो पूरा अच्छी तरीके से हमारे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ चुका है। तो गाइस, हम यहाँ पे अपना मॉडल ले आएंगे। तो गाइस, मैंने मॉडल को पहले इम्पोर्ट, मतलब पहले ही बैकग्राउंड रेस कर रखा है मॉडल का। एंड अगर नहीं आता आपको तो आप बता दीजिए। तो गाइस, ड्रॉ टूल में आना है आपको, एंड लेयर में आना है। लेयर में आपको एक लेयर लेनी है। एंड गाइस, उसमें आपको क्या करना है, उसमें अपना आपको मॉडल ले आना है। तो गाइस, मॉडल में कपी, मतलब PNG तो मैंने निकाल रखा है, आप निकालना आता ही होगा आपको। अगर नहीं आता होगा तो मेरी वीडियो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो गाइस, मैं यहां से अपना मॉडल चूज़ कर लेता हूं, यहां से अपना मॉडल चूज़ कर लिया है मैंने। तो गाइस, हम इसे यहां ले आएंगे। एंड गाइस, थोड़ी सी बड़ा करेंगे इसे, एंड यहाँ बीच में इसे सेट कर देंगे, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। तो गाइस, यहाँ से सेट कर देते हैं। ओके गाइस, तो हम लेयर पर जाएंगे। गाइस, हमें एक एम्प्टी लेयर और ले लेनी है। गाइज, हम एम्प्टी लेयर पे आ जाएंगे। एंड ब्रश पर जाना है आपको। ब्रश पे जाके आपको क्या करना है पड़ेगा गाइज, इसकी ऑपेसिटी को थोड़ी सी कम रखनी है, साइज़ को अपने हिसाब से रख ही लेना है आपको। एंड गाइज, इसके पैरों के पास आपको नीचे हल्का हल्का फेड देना है। तो गाइज, ये जो शेडो है ना गाइज, इससे आपकी फ़ोटो के अंदर रियलिटी लुक आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, एंड कोई फेक उसे नहीं बताता। तो गाइज, हम यहाँ पर हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा नीचे से इधर भी थोड़ा सा फेर देते हैं। एंड गाइस, हम लेयर पैनल को ओपन करते हैं। तो इस वाली लेयर को हम मॉडल की लेयर के नीचे रख देंगे। एंड इसकी ओपेसिटी को हम 76 रख देते हैं, बस गाइस इतना बहुत है। एंड गाइस, यहां से डन कर देंगे हम। तो डन करके गाइस, में हम थोड़े से और PNGs हैं उसे ऐड करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब चैनल करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो गाइस, यहाँ से हम यहाँ पर डाउनलोड में आए। तो गाइस, हमारे अम्ब्रेला का PNG है, इसे यहाँ सेट कर लेना है यहाँ पर। तो इस जितने भी मैं बैकग्राउंड PNG यहाँ यूज़ करूँगा ना, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके गाइज, तो यहाँ पे गाइज मैं से थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ से, हाथ के पास से तो थोड़ा बाहर बाहर दिख रहा है ना गाइज ये। तो गाइज, हम यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं। तो ऐसे इरेज कर देता हूँ मैं इधर से थोड़ा सा। गाइज, ये इरेज हो चुका है, पूरा पक्का इरेज हो चुका है। एंड गाइज, में हम लगाएंगे कुछ बारिश के PNG है, उन्हें ऐड करेंगे थोड़ा सा, है नहीं गाइज। तो गाइज, उन 22 के PNG का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइज, ऐड फोटो पर आएंगे। एंड गाइज, यहाँ से डाउनलोड पर जाएंगे। तो गाइज, हमने डाउनलोड कर रखे हैं। एंड गाइज, ये जो रेन का PNG है ना गाइज, उसे दो बार लेना है, उसके बराबर वाले को खाली एक बार ही ले लेना है आपको। ओके गाइज। एंड गाइज, जो बराबर वाला PNG था ना गाइज, उसे साइड में रखना है। एंड हमें ये वाला बड़ा वाला PNG ले लेना है, जो मतलब पहले हमने चूज़ करे थे दो। एंड गाइस, उसे आपको इस तरह से ऊपर लगा देनी है, जैसे कि गाइस रेन हो रही हो सैनहॉक मैप में। ओके गाइस, एंड इसे थोड़ा नीचे कर लेंगे हम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। ओके गाइस, एंड यहाँ पे यहाँ से जो सॉरी है ऊपर का करना है हमें, तो हमें पहले ऊपर का सिलेक्ट करना पड़ेगा रेन का। ओके गाइस, यहाँ से हमने ऊपर का सिलेक्ट कर लिया है। एंड गाइज, जो फेस के ऊपर जो रेन आ रही है ना गाइज, उसे को हम इरेज कर देंगे। ओके, तो हमने फेस के ऊपर जो आ रही थी ना, तो गाइज सारी रेन को हमने वो कर दिया है हमने इरेज। एंड गाइज, ये वाला PNG को जो है आपको थोड़ा सा बड़ा रखना है ऊपर की तरफ को, ताकि थोड़े थोड़े आपको स्पार्कल दिखाई दे बॉर्डर के। एंड यहाँ से डन कर लेना है गाइज, यहाँ से थोड़े से स्पार्कल और ऐड कर लूँगा, तो ये काफ़ी रियल बन जाएगी पिक। ओके गाइज, एंड गाइज आपको डाउनलोड पर आना है। गाइज, ये मेरे पास एक स्पार्कल का PNG है, जो मैंने फास्ट रिसेंटली वीडियोस में यूज़ करे हैं। तो गाइज, यहाँ से हम इसे यहाँ पे ब्लाइंड पे जाके इसे स्क्रीन कर देंगे ना,
तो गाइस ये काफ़ी बढ़िया लगेगा। एंड थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही। एंड यहाँ से आपको जो फेस पर आ रहा है ना गाइस, इसे आपको यहाँ से इरेज कर देना है। ओके गाइस, यहाँ से इसे इरेज कर देना है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस हम दोबारा ऐड फोटो पर जाएंगे। गाइस दोबारा ऐड फोटो पर जाके हम एक कोर स्पार्कल का PNG है उसको हम ऐड कर लेंगे। कहाँ गया ये रहा गाइस, इसे ये गाइस फ्रायल लेयर का PNG है, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसे स्क्रीन करके आपको साइड में नहीं, इधर को जो कंधा है ना आपका गाइस, आपको इसे वहाँ पे छोटा करके वहाँ सेट कर देना है। तो इससे काफ़ी रियल लुक आएगा एंड काफ़ी अच्छी लगती है गाइस। आप अपने फ़ोटो में एडिट, अगर आप अपना फ़ोटो एडिट करो ना गाइस, तो उसमें ये ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ये यूज़ करके आपका फ़ोटो बहुत ही बढ़िया लगने लगता है। एंड गाइस यहाँ तक तो हमारी वो फोटो हो गई है तैयार। एंड गाइस हमारे पे एक PNG हो रहा है गाइस, स्मोक का PNG, उसी और लगाएंगे हम। ऐड फोटो पर जाएंगे। एंड गाइस ऐड फोटो पर हम डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में गाइस चले गए हम। एंड गाइस यहाँ से हम एक स्मोक PNG ले लेंगे, ये वाला यहाँ ले लिया हमने स्मोक PNG। ये रहा, तो ऐसे हमने ये स्मोक PNG ले लिया है। एंड गाइस आपको इसे नीचे की तरफ को लगाना है, ऐसे जैसे हमारे पैरों के पास धूल एंड मतलब धुआं धुआं जो है स्मोक वो सारा आ रहा हो। ओके गाइस, एंड गाइस अब आपको यहाँ से ये जो लाइन लाइन है ना गाइस, इसको आपको यहाँ इरेज कर देनी है, पूरी पक्की इरेज कर देनी है। एंड गाइस यहाँ से कर देना है इसे डन। ओके गाइस, और गाइस आपको यहाँ पे ड्रॉ टूल में जाना है। एंड ड्रॉ टूल को मैं आपको इस फोटो को थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव कर देना है। तो गाइस चलिए चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस हम आ चुके हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो ये लाइट रूम एप्लीकेशन में पहले इसका एक्सपोज़र थोड़ा सा कम करना है आपको, लाइट में जाके इसका एक्सपोज़र थोड़ा कम करना है। एंड यहाँ से आपको हाईलाइट्स को बढ़ाना है थोड़ा सा, थोड़ा शेडो को भी बढ़ाना है, एंड वाइट्स को भी थोड़ा बढ़ा दें, एंड ब्लैक को भी। तो गाइस मिनिमम सबको इक्वली रखना है आपको, एंड इसकी वाइब्रेंस को बढ़ाना है फ़ोटो की। ओके गाइस, एंड यहाँ से टेम्परेचर पे जाए मतलब कलर पे जाएंगे। एंड मिक्स टूल पे आके आपको ऑरेंज की लुमिनेंस बढ़ानी है, जिससे आपका फेस जो है ना वो काफ़ी ग्लो करे। एंड गाइस आपको येलो पे जाना है, येलो की सैचुरेशन हाई करके देखनी है गाइस, सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। एंड यहाँ से ग्रीन को आप नहीं छेड़ेंगे, एंड ब्लू पे आके थोड़ी सी ह्यू को चेक करेंगे हम। ओके गाइस, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। एंड इस वाली ब्लू को भी आके यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पे रेन हो चुकी है ब्लू ब्लू, एंड गाड़ी का कलर भी ज़्यादा चेंज हो रहा है। ओके गाइस, एंड यहाँ पे ये जो पर्पल कलर है ना गाइस, पर्पल कलर, उसकी आपको सैचुरेशन बिल्कुल ही कम करनी है। एंड इसका ये भी, इसकी भी आपको सैचुरेशन कम करनी है एकदम, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ी कम करनी है। एंड गाइस आपको क्लैरिटी टूल में आ जाना है। क्लैरिटी टूल में आपको इसकी क्लैरिटी इंक्रीज करनी है थोड़ी सी, एंड विगनेट को थोड़ा ही डाल देना है, ज़्यादा नहीं। एंड शार्पनिंग के टूल में आपको क्या करना है गाइस, इसकी शार्पनिंग बढ़ा देनी है आपको 60 के आसपास, शार्पनिंग बढ़ा दें। एंड नॉइस रिडक्शन भी आपको 55 कर दें। एंड कलर्स नॉइस रिडक्शन को भी आप बढ़ा दें, इससे क्या होता है गाइस हमारे कलर में जो है ना गाइस काफ़ी स्मूथनेस आ जाती है। तो गाइस हमारा फ़ोटो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ओके गाइस, थोड़ा फ़ोटो लोड होने में टाइम ले रहा है थोड़ा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने नीचे कमेंट नहीं किया है कि वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को नीचे कमेंट जरूर बता देना। तो गाइस हम सिलेक्टेड टूल्स में आ गए हैं, ब्लश सेलेक्ट करके हम नीचे नीचे मार लेते हैं। तो गाइस मैं बता देता हूँ, सिलेक्टेड टूल हल्की सी के लाइट रूम में नहीं आता, सिर्फ वो मॉडर्न वर्जन में आता है। तो गाइस उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लिए। तो गाइस आपको डाउनलोड नहीं करना आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नीचे मतलब अगली वीडियो में बता दूँगा आपको कि मतलब मॉडर्न वर्जन कैसे डाउनलोड करें। तो गाइस वीडियो जो है ना गाइस हमारी बिल्कुल ही तैयार, और फोटो भी तैयार हो चुका है। तो आप सब देख सकते हैं गाइस कितना अंतर आ गया है फोटो के अंदर। तो गाइस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और गाइस वीडियो को जो है ना लास्ट तक जरूर देख लेना, एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।